सीधा रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पिछले एक घंटे से मेट्रो सेवा बाधित हुई बताई जा रही है। पिछले एक घंटे से तकनीकी खामी दिल्ली की मेट्रो सेवा में राजीव चौक स्टेशन जो है उसके आसपास की बताई जा रही है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में तकनीकी दिक्कत आई है। द्वारका नोएडा रूट इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, क्या डिटेल निकल के आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से मेट्रो रुकी पड़ी है? देखिए, नावेद तकनीकी खामी की वजह से मेट्रो ब्लू लाइन जो लाइन है वो प्रभावित है, और पिछले करीब एक से डेढ़ घंटे से लगातार जो है ये सेवा है वो बहुत बाधित है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और लंबे अंतराल के बाद जो मेट्रो है वो स्टेशनों तक पहुंच पा रही है, जिस वजह से भीड़ जो है वो काफी लगातार बढ़ती चली जा रही है, दबाव बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह की स्थिति पहले थी, एक या डेढ़ घंटा पहले थी, उसमें कहीं धीरे धीरे सुधार होता भी नजर आ रहा है, और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस खामी को जो है दुरुस्त कर लिया जाए, इस तरह की उम्मीद पूरी, क्योंकि टीएमआरसी की जो एजेंसियां तमाम वो लगी है इस खामी को दूर करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सूरज अरोड़ा जानकारी दे रहे थे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास तकनीकी खामी है, जिसकी वजह से ब्लू लाइन मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है। ब्लू लाइन वो मेट्रो सेवा है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, यानी कि दिल्ली से नोएडा आने वाले और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग इसी में सफर करते हैं, और ये पिछले एक घंटे से इसी तरीके से रुकी पड़ी है।